माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना ज़रूरी है, मुझे उस वजह से निकलना ज़रूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़ उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कहूँगा कि दूध, सब्जियाँ, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान और दवाइयाँ, दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा और अगर आपको ख़रीदना है तो निकलना पड़ेगा। केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज देने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कल हम रात को प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद हमने देखा कि 8 बजे के बाद से लाइनें लगने लगी दुकानों के ऊपर। तो जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे तो वो लॉकडाउन का मकसद खत्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूँ, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह कि अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खोलने खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपके इलाके तक दवाइयाँ, दूध, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दुकानें खुलेंगी, आप तक सारी ज़रूरतें पहुंचेंगी। दूसरी चीज़, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किराने की दुकान वाले, बिजली वाले, पानी वाले, सरकारी कई अधिकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सब्जी वाले, इन सब लोगों को पास देने की तैयारी की गई है। जिन लोगों के पास अपने आई कार्ड हैं, सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास आई कार्ड होंगे अपने, जितने सरकारी कर्मचारी हैं एसेंशियल सर्विसेज में, बिजली वाले, पानी वाले, उनके पास अपने आई कार्ड होंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे, मीडिया वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जिनके पास आई कार्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए किराने वाला है, सब्जी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्पलाइन जारी कर देंगे। आप उस पर फोन कीजिए, आपको हम तुरंत ई पास जारी कर देंगे। आप वो ई पास लीजिए और उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपनी दुकान के लिए सामान ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि मिल्क प्लांट है जैसे, या दवाई बनाने की फैक्ट्री है जैसे, मास्क बनाने की फैक्ट्री है, सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज हैं, ये सब लोग भी ई पास लेके अपनी अपनी फैक्ट्रियां और अपने अपने ट्रांसपोर्ट का काम जारी रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी को इस दिक्कत आए।